हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम जानने वाले हैं ड्रीम इलेवन पे एक बेहतर टीम कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रीम इलेवन ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप जिस भी मैच में अपना टीम बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं चेन्नई और पंजाब पे बनाना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप जितने रुपए वाले मैच में एंट्री लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं 49 वाला पे एंट्री करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो आपको एक विकेट कीपर चूज करना पड़ेगा। जैसे मैं महेंद्र सिंह धोनी को कर लेता हूँ क्योंकि इनसे अच्छा दुनिया में कोई विकेट कीपर ही नहीं है। विकेट कीपर सेलेक्ट करने के बाद बैटिंग में आएंगे तो यहाँ शिखर धवन को ले लेंगे और मयंक अग्रवाल, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ रॉबिन उथप्पा और यहाँ शिवम दुबे को। उसके बाद ऑलराउंडर लेंगे, जैसे मैं रविंद्र जडेजा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलराउंडर सेलेक्ट करने के बाद बॉलिंग में आएंगे तो यहाँ डीजे ब्रावो को ले लेंगे और रबाडा को ले लेंगे और दीपक चहर को, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर राहुल चहर को ले लेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ एक कप्तान और एक वाइस कप्तान बनाना होगा। तो जैसे मैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ले लेता हूँ और वाइस कप्तान शिखर धवन को, और सेव टीम पे क्लिक करेंगे। तो आपका ड्रीम इलेवन पे टीम बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।